पिछले एपिसोड में हमने देखा जो गोकू और वेजिटा है वो फ्यूज़न कर लेते हैं और वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं गोजीटा में। और बाकी योद्धा जो हर्ष के साथ लड़ रहे थे, हर्ष उन्हें एक अटैक करके दूर फेंक देता है और हर्ष गोजीटा को देखता है और बोलता है कि तुम काफ़ी दिलचस्प हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। गोजीटा उसे बताता है कि गोकू और वेजिटा का फ्यूज़न गोजीटा कहलाता है। और ये सुनकर हर्ष बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने दांत दिखाकर हंसने लगता है और कहता है, तो तुम्हें लगता है इस रूप में तुम मुझे हरा सकते हो। गोजीटा कहता है, खेल शुरू करे हर्ष। हर्ष कहता है, तो तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, तुम हमारे बीच में नहीं आ सकते। जो हर्ष है उन सब योद्धा के ऊपर अपनी एनर्जी मारता है और उस पृथ्वी की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होने लगती है जिससे वो लोग अपनी एनर्जी बचाकर उड़ने की कोशिश करते हैं। तभी हर्ष अपनी बॉल से बॉल उनके ऊपर फेंक कर मारता है और वो बॉल उनके मुँह पर जाकर लगती है और वह सब ज़मीन पर जाकर गिर जाते हैं। हर्ष और जीरन भी ज़मीन पर जाकर खड़े हो जाते हैं। जो हर्ष है वो कहता है, आओ। जो गोजीटा है वो अपनी एनर्जी बढ़ाता है और उसके चारों तरफ नीले कलर का ऑरा आ जाता है और गोजीटा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, पर उसके बाल अभी भी नीले नहीं हुए और वो और ज़्यादा एनर्जी लगाने लगता है और उसका ऑरा बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाने लगता है। बाकी सब योद्धा ये देखते रहते हैं कि ये पावर तो कमाल की है, पूरी पृथ्वी हिल रही है, इनकी पावर तो लाजवाब है। गोजीटा उड़ता हुआ हवा में जाता है और हर्ष के पास चला जाता है। अब गोजीटा के बाल भी नीले हो चुके हैं। अब गोजीटा पूरा का पूरा टू सुपर सैयन ब्लू बन गया है और वो हर्ष के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। हर्ष कहता है, मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारी शक्ति को। गोजीटा उड़ा हुआ जाता है और जाकर उसके ऊपर अटैक करता है जिससे पृथ्वी पर पड़े हुए पत्थर हवा में उड़ जाते हैं और बाकी लोग हवा से बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरते हैं। पृथ्वी पर सिर्फ हीट और जीरन ही बचते हैं। हमें दिखाया जाता है जो हर्ष है उसने गोजीटा का अटैक रोक लिया है। गोजीटा बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपनी एनर्जी बढ़ाकर हर्ष को दूर फेंक देता है। हर्ष दूर से आकर खड़ा हो जाता है। गोजीटा बहुत सीरियस उसे देखता रहता है। हर्ष अपना मुसाफ करता है और अपनी एनर्जी बढ़ाता है और अपने दोनों हाथों में अलग अलग तरह की एनर्जी बनाता है और कोई अटैक तैयार करता है। उसके हाथ के चारों तरफ एक चकोर चकोर से डब्बे गोल गोल घूमने लगते हैं और हर्ष अपने अटैक को तैयार करके गोजीटा की ओर बढ़ता है। गोजीटा भी उसे इशारा करके अपनी ओर बुलाता है। हर्ष बहुत स्पीड से उसके पास जाता है और जैसे ही वो गोजीटा के ऊपर अटैक करता है, गोजीटा उसके अटैक से बच जाता है और फिर हर्ष उसके ऊपर फिर से अटैक करता है, पर गोजीटा इस बार भी बच जाता है। हर्ष की एनर्जी जहाँ पृथ्वी पर जाकर लगती है वहाँ काफ़ी बड़ा धमाका होता है। गोजीटा उसके सारे अटैक से बचता रहता है और उसकी एनर्जी से बाकी योद्धा भी बच बचकर भागने लगते हैं। तभी गोजीटा उसके अटैक को एक हाथ से रोक लेता है और उसे दूर फेंक कर मारता है। जो हर्ष है वह बहुत दूर जाता है और अपने हाथों में से एनर्जी अटैक फेंक कर मारने लगता है, पर गोजीटा उसके सारे एनर्जी अटैक आसानी से रोक लेता है जैसे कि वह किसी बच्चे के साथ खेल रहा हो। और गोजीटा तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे अपनी पूरी पावर भी यूज नहीं कर रहा। फिर गोजीटा बहुत ही स्पीड से उड़ा हुआ जाता है और उसके सारे अटैक से ईजिली बचता रहता है और जाकर हर्ष के मुँह पर एक जोर का मुक्का मारता है और हर्ष को बहुत दूर फेंक देता है। और तभी हर्ष के ऊपर बहुत सारे एनर्जी अटैक आते हैं। हर्ष उन एनर्जी अटैक से बच जाता है और तभी गोजीटा उसके सामने आकर उसके हाथ पकड़ लेता है और उसे एक लात मारता है और लात लगते ही उसकी हालत ढीली हो जाती है और हर्ष हल्का सा पीछे हो जाता है। फिर हर्ष उड़कर गोजीटा के बराबर में आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे देखने लगता है। गोजीटा उसके साथ लड़ने के लिए तैयार होता है। हर्ष कहता है, तुम मुझे टक्कर दे पा रहे हो जो कि काबिले तारीफ है। हर्ष कहता है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, उस शक्ति के साथ तो तुम ओमनिकिन को भी हरा सकते हो। मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलकर इंसानियत की असली आज़ादी के लिए लड़ेंगे। जो गोजीटा है वो कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कह रहे हो, क्योंकि मैं तो अभी भी आज़ाद हूँ। और ये सुनकर जो हर्ष से वो चौंक जाता है और हंसने लगता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, ऐसा बस तुम्हें लगता है, मैं समझ सकता हूँ। हर्ष उड़ा हुआ आसमान में जाता है और अपना हाथ ऊपर करके एक बहुत ही विशाल एनर्जी बनाता है। ट्रंप्स कहता है, अब ये क्या है। और तभी ज़मीन में से धूल उठती हुई जाती है और वो एक बहुत ही बड़ा घेरा बना लेती है। पृथ्वी की ग्रेविटी ज़्यादा बढ़ने से ट्रंप्स भी खड़ा नहीं हो पाता और वो कहता है, ऐसे तो पूरा प्लैनेट नष्ट हो जाएगा। और जो हर्ष है वो अपने मुक्के में कुछ एनर्जी भर लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान में से एक बहुत बड़ा मिर्गी ज़मीन की ओर आ रहा है जो कि लाल कलर का है और बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसके ज़मीन पर आने की वजह से भूकंप आने लगते हैं और उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज है। वो बहुत ज़्यादा स्पीड से पृथ्वी की ओर आ रहा है। अगर ये पृथ्वी को लगा तो पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी और यहाँ पर कोई योद्धा तो योद्धा कोई इंसान भी नहीं बचेगा।
और वह मिर्क्यूर पृथ्वी पर गिरने वाला होता है और बहुत ही स्पीड से आता है। पिगलू कहता है, ये क्या है? और जो गोदीता है वो चुपचाप खड़ा हुआ उसे देखता रहता है। तभी हर्ष अपने पिछले की पीठ वाला हिस्सा जलाता है और वो पूरा का पूरा मिर्क्यूर सूरज की तरह लाल लाल चमकने लगता है और उसके अंदर भी हर्ष की पावर आ जाती है। हर्ष कहता है, अलविदा कह दो खुद को और अपने इस प्लैनेट को भी। और फिर वो उस अटैक को पृथ्वी की ओर फेंक कर मार देता है। लेकिन जो गोदीता है वो कुछ भी नहीं चल रहा, बस उस अटैक को आसानी से देखे जा रहा है और उस अटैक को घूर रहा है और वो अटैक पृथ्वी के पास आता जा रहा है। हर्ष गायब होकर उसके पीछे चला जाता है और जाकर कहता है, आज़ादी के खातिर मर जाओ। और फिर वो पूरा का पूरा मर्क्यूर नीचे आने लगता है। पिकलू कहता है, बात क्या है? वो कुछ कर क्यों नहीं रहा? गोदीता चुपचाप क्यों खड़ा है? उसे कुछ करना चाहिए। और जो गोदीता है उसे आते हुए देखता रहता है और तभी गोदीता अपनी एनर्जी बढ़ाता है और जोर जोर से चीखने लगता है। उसकी चीख से उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके चारों तरफ सुपर सैयन ब्लू का ऑरा आ जाता है और वो मर्क्यूर गोकू की ओर और वेजिटा और गोदीता की ओर बढ़ता रहता है और गोदीता उसे रोकने के लिए अब तैयार हो चुका है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना